निहारिका, तुम्हारा कॉल आ रहा है। हाँ तो उठा लो। कोई अननोन नंबर है। अरे डिलीवरी वाले का कॉल होगा, उठा लो एक बारी। हेलो, कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? अरे भाई, तुम तो बड़े बदतमीज आदमी हो, ऐसे कौन डिलीवरी बॉय बात करता है? कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ मैं। तू कौन है? निहारिका का पति है ना? हाँ, मैं हीर का पति ही बोल रहा हूँ, लेकिन तू कौन है? बॉयफ्रेंड हूँ उसका, मतलब था, जिसके साथ वो शादी के सपने देख रही थी। क्या, निहारिका का बॉयफ्रेंड था? निहारिका, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं तो? झूठ मत बोलो तुम, अभी ना उसी का कॉल आया था। एक था कॉलेज टाइम पे, लेकिन जब से कॉलेज खत्म हुए मैं तो उससे मिली भी नहीं हूँ, और तो और मैंने उससे बात भी नहीं की है तब से। निहारिका, जब हमारा रिश्ता हो रहा था तब मैंने तुमसे कितनी बार पूछा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या तुम्हारा कोई पास्ट है, तो तुमने मुझसे उस टाइम पे मना कर दिया, लेकिन ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये कहाँ से आया? अरे रिश्ता देखते वक्त ये सब कौन बताता है? तुम्हें मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया था, तुम्हें बताया था ना मैंने कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें तो मैंने अपना सारा पास्ट बताया, तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? देखो तुम्हारा चलता है, लड़कों को ना कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर लड़की का पता चल जाता है ना तो फिर। लड़कियां ये सब क्यों नहीं बता सकती? अरे अगर मैं तुम्हें बता देती कि मेरा बॉयफ्रेंड था तो तुम मेरे घर वालों को बता देते। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया हुआ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी था। इसका मतलब तुमने सबसे झूठ बोला है ना? हाँ, क्यों, उसने बताया नहीं क्या तुझको? बताया था, सब बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि तू साले उसे अब तक कॉल करता है। पता नहीं निहारिका ने मुझ जैसे बंदे को छोड़कर तुझसे शादी कैसे कर ली। अबे तू जा, एक साल हो गया है हमारी शादी को, और मैं उसे इतना तो जान गया हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर वो तुझसे प्यार कर रही होती ना तो वो मुझसे शादी कभी नहीं करती। तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद ना इसे कॉल मत कर दियो, ठीक है? वरना मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जिनके हाथों में ना बहुत खुजली होती है, बाकी तो तू समझ ही गया होगा। मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली। तुम क्यों खामखा मुझसे लड़ते हो? ताकि तुम्हें ये रियलाइज हो सके कि हमें ना बातें छुपानी नहीं चाहिए, तुम्हें ये सारी बातें मुझे बता देनी चाहिए थी। तुम्हें पता है एक पति पत्नी का रिश्ता ना ट्रांसपेरेंसी की तरह होना चाहिए, कोई भी बातें छुपानी नहीं चाहिए, और ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाए।